सिखाने जा रही हूँ बैंगन के पकोड़े। बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी से रेडी हो जाने वाली है ये जनाब रेसिपी। आप जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है तो आप अफ्तार में इसको ट्राई करें। जी तो स्टार्ट करते हैं। मैंने दो बैंगन लिए हैं नॉर्मल साइज़ के और इसको मैंने इस तरह से गोल शेप में काट लिया। ये कुछ स्पाइसेस हैं, धनिया है और तकरीबन एक प्याली हमने बेसन ले लिया। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो यहाँ हमने एक प्याली बेसन ले लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस व्यूअर्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है एक टेबलस्पून सॉल्ट, एक टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया लिया, 1/4 जो है टीस्पून मैंने यहाँ अजवाइन लिए, हल्दी है, 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे सीरा पाउडर लिया। जी तो ये सब ऐड कर देंगे इसमें। जी तो जनाब, यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो हमने लिया था कुटी हुई लाल मिर्च का वो ऐड करेंगे। उसके बाद जनाब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें हम सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ही, 1/4 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं इसमें हम। अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे इसमें और जनाब लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं इसमें ज़ीरा पाउडर। जी जनाब, तो ये तो हो गए स्पाइसेस। आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया ले लेंगे। ये तो हो गए जनाब स्पाइसेस। आप व्यूअर्स ये भी कर सकते हैं कि आप एक पीस डाल के बैंगन का, यानी जब ये आप इस पर लगाएंगे तब आप टेस्ट भी कर सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऑलमोस्ट 1 कप वाटर ऐड कर देंगे। देख लीजिएगा आप कि बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो इसका बैटर। जी व्यूअर्स, यहाँ इसका मिक्सचर तैयार है। मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ चेक कर लिया है पहले से ही, इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर जो है वो कम है, यानी मिर्च कम है। मैं यहाँ 1/2 टेबलस्पून इसमें मिर्च और ऐड कर रही हूँ। जी तो देखिए, यही इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। जी तो फ्राई कामल स्टार्ट करते हैं। देखिए जी जनाब, यहाँ मैंने बैंगन को पानी में रखा है क्योंकि फ़ौरन से ब्लैक हो जाते हैं, और कुछ बैंगन जिस पे मैंने अभी ये मिक्सचर लगाना है उसे मैंने अलग से निकाल दिए। मैं इस प्लेट में, इस ट्रे में अलग निकालती जाऊँगी और साथ साथ में फ्राई करती जाऊँगी। देखिए जी, इस तरह से डिप कर लें इसे अच्छे से। और नॉर्मल सी हीट पे इसको डालते जाएँ, बहुत तेज़ हीट नहीं होनी चाहिए। देखिए जनाब, यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। बहुत डिलीशियस बनते हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब तो वैसे भी रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, अफ्तार में ऐसी चीज़ें यकीनन चाहिए होती हैं।
ये देखिए जी, इस तरह से स्ट्रेनर में निकालते जाए ताकि अच्छे से घी जो है वो स्ट्रेन हो जाए जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बैंगन के पकौड़े डिश आउट कर चुकी हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये इंतहाई टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।